यूक्रेन राजधानी कीव में अभी कुछ हासिल नहीं कर पाए हैं, इसलिए अब रूस की सेना ने दक्षिण के शहर मारियुपोल पर हमले तेज कर दिए हैं। मारियुपोल में करीब 2500 लोगों की मारे जाने की रिपोर्ट है, ये दावा वहां के एक डिप्टी मेयर ने किया है। हालात ये हो चुके हैं कि मारियुपोल में बॉडी बैग्स कम पड़ चुके हैं और यूक्रेन का ये शहर कैसे एक कब्रिस्तान में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। ये रिपोर्ट आप देखेंगे तो पता चलेगा कि रूस के हमलों से ज़ेलेंस्की का दिल क्यों तार तार हो चुका है। जब दुनिया ने क्यू पर नजर टिका कर रखी, रूस ने मारियुपोल पर गोले बरसाने शुरू कर दिए। जब ज़ेलेंस्की खार्किव बचाते नजर आए, दक्षिण में अलग थलग पड़ चुके मारियुपोल को रूस ने घेर कर मारा है। मारियुपोल के खिलाफ पुतिन ने सबसे बड़ी चढ़ाई शुरू कर दी है। अगले 24 घंटे में मारियुपोल का डिफेंस ठह सकता है। आखिर मारियुपोल शहर पुतिन का सबसे बड़ा टारगेट क्यों बन चुका है? रिहायशी इमारतों पर बमबारी, ये जलते हुए फ्लैट और उसके बाद जख्मी लोगों से पटे मारियुपोल के अस्पताल। यूक्रेन के लोगों को अपने रिश्तेदारों की मौत पर आंसू बहाने का भी मौका नहीं मिला। मारियुपोल की सबसे दहलाने वाली तस्वीर देखिए। शहर का ये बहुत ही मशहूर थिएटर है और इस पर रूस ने बहुत बड़ा बम गिराया और इसके बाद ये शानदार इमारत पूरी तरह ढह चुकी है। मारियुपोल के थिएटर की तस्वीरों ने दुनिया भर को आखिर क्यों परेशान कर दिया है, अब वो देखिए। सैटेलाइट से ली गई इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि यहाँ थिएटर के बाहर जमीन पर सफेद रंग से लिखा गया था कि यहाँ बच्चे हैं। आखिर इस जगह पर बमबारी में कितनी जान गई, इस बारे में सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मारियुपोल के डिप्टी मेयर के मुताबिक करीब 1000 लोगों ने इस इमारत में पनाह ली हुई थी, जिनमें बच्चों की तादाद ज्यादा थी। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने भी इस थिएटर की तस्वीरें ट्वीट की है। इन्हें देखकर यहां हुए नुकसान का अंदाजा लगाएंगे तो बहुत डराने वाले आंकड़े जहन में आएंगे। Маріуполі, у блокадному Маріуполі російська авіація цілеспрямовано скинула надпотужну бомбу на драматичний театр у центрі міста. Там ховалися від обстрілів сотні людей. Будівля зруйнована. Кількість загиблих ще невідома. युद्ध में आम लोगों के लिए जिंदगी बचाने की जंग क्या होती है, मारियुपोल से लगातार इसके वीडियो आ रहे हैं। 4.5 लाख की आबादी वाले मारियुपोल से एक ही दिन में 30,000 से ज्यादा लोगों ने इस शहर को छोड़ दिया। हजारों लोग लगातार वॉर जोन से बाहर निकलने की कोशिश में जुटे हुए हैं। जैसे जैसे रूस की बख्तरबंद गाड़ियां शहर में दाखिल हो रही हैं, वैसे वैसे नए इलाकों पर कब्जा शुरू हो रहा है। हजारों गाड़ियों में सवार लोग परिवार के साथ भाग रहे हैं। रेड क्रॉस से मदद मिली तो रूस और यूक्रेन के बीच समझौता हुआ और मारियुपोल में आम लोगों को निकालने के लिए कॉरिडोर बनाया गया। हजारों लोग इस तरह शहर से बाहर निकल पाए। Без света, без воды, без тепла, без ничего. Две недели в подвале. Не лицо, руки, руки. Руки с ними, руки. Вот это руки, медработник. Квартира сразу ушла. Машина, квартира, гараж. Что успели вот схватить одеяло там, это, что с окон повылетало. И в подвал, из подвала даже невозможно вылезти было. Дом начало разбивать. दरअसल मारियुपोल के चारों तरफ इस वक्त रूसी फौज है। 2 हफ्तों से मारियुपोल पूरी तरह से घिरा हुआ है। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक मारियुपोल में ही करीब 2500 लोगों की मौत हो चुकी है। События после долгих дней, когда украинские власти не хотели сотрудничать по эвакуации людей, в том числе из Мариуполя, наконец-то удалось вывести 33 тысячи человек из этого города, подавляющее большинство которых выбрало маршруты, ведущие в Российскую Федерацию. Мариуполь के डिप्टी मेयर का दावा है
कि शहर की 80% इमारतें रूस की बमबारी में या तो पूरी तरह से तबाह हो गई हैं या अब रहने लायक ही नहीं रही हैं। रूस के टैंक मारियोपोल में टहल रहे हैं, जहां भी हरकत नजर आती है उसी जगह को टारगेट पर लिया जाता है। शहर में ऐसी जंग इससे पहले दुनिया ने सीरिया में देखी, जहां अलेप्पो और हमा जैसे शहर पूरी तरह से तबाह हो गए थे। अब ऐसी ही तस्वीरें यूक्रेन के कीव और मारियोपोल से आ रही हैं। आखिर पुतिन का सबसे ज्यादा फोकस मारियोपोल पर ही क्यों अटक गया है? रूस की फौज पर अब भी दबाव बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो कामयाबी रूस को उत्तरी यूक्रेन में नहीं मिली वो पुतिन अब दक्षिणी यूक्रेन में हासिल करना चाहते हैं। मारियोपोल की ये तबाही, ये खंडहर में तब्दील हो रही इमारतें, शहर के आसमान से उठता ये धुएं का गुबार, यूक्रेन की सबसे बड़ी बर्बादी का अब सेंटर बन चुका है मारियोपोल। इसीलिए क्यों ना ले पाने का गुस्सा पुतिन मारियोपोल पर उतार रहे हैं। 24 घंटे बमबारी, हर पल सर्जिकल स्ट्राइक, क्यू से लेकर खारकिव और ओडेसा से लेकर मारियोपोल तक जंग बहुत खतरनाक चल रही है। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अब तक घुटने नहीं टेके हैं। एक देश को कुचलने के लिए हमलों की टाइमलाइन देखेंगे तो किसी भी सरकार की रूह कांप जाएगी। क्यू के बाद मारियोपोल में रूस को रोकना जेलेंस्की का सबसे बड़ा मिशन बन गया है। अजोव सागर पर मारियोपोल यूक्रेन की एक पोर्ट सिटी है। ये यूक्रेन का एक औद्योगिक शहर है। ये क्राइमिया और डॉनबास रीजन के बीच यूक्रेन का एक बहुत अहम शहर है। रूस डॉनबास और क्राइमिया तक लिंक कायम करना चाहता है और मारियोपोल पर पूरी तरह कब्जा किए बगैर ये मुमकिन नहीं है। जेलेंस्की भी अब रूस का प्लान समझते हैं, लेकिन नेटो और अमेरिका के मुंह फेर लेने के बाद अब उनके हाथों में भी ज्यादा कुछ नहीं बचा है। Не Україна має отримати більшу підтримку, більшу, ще більшу, ніж ми отримуємо саме зараз. Системи протиповітряної оборони, літаки, достатню кількість летальної зброї та боєприпасів, щоб зупинити російських окупантів. Іс вакт Маріуполь ме хане піне ка бішан санкат хе. Саф пані так нехі хе. Ред Крос ке мутабік, шехер ме 200 тонн кі мадад пахунч гай хе, जिसमें हजारों कंबल हैं, बेड और पानी की बोतलें हैं। सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह है कि करीब 6000 बॉडी बैग मारियोपोल में सप्लाई किए गए हैं, क्योंकि अस्पताल से जो तस्वीरें मिल रही हैं, वो देखकर लगता है कि मारियोपोल में लाश ढकना मुश्किल हो गया है। और यही वजह है कि यूक्रेन से अब तक 30 लाख से ज्यादा लोग देश छोड़ चुके हैं। पोलैंड, रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया और मोल्दोवा, यूक्रेन की सरहद के पास जो भी देश हैं, यूक्रेन के शरणार्थी बड़ी तादाद में वहां जाकर पनाह ले रहे हैं। इस मैप में आप यूक्रेन की बेचैनी को समझ सकते हैं। मारियोपोल में जंग हो रही है और यहां रूस के हवाई हमले बताते हैं कि अभी और लोग यूक्रेन छोड़ेंगे, पलायन और बढ़ेगा, क्योंकि रूस के हवाई हमले रोकने में अब तक यूक्रेन नाकाम रहा है। चाहे आंकड़े मौत के हों या बेघर हुए लोगों के, वो अभी बहुत कम करके आंके जा रहे हैं। मारियोपोल की तस्वीरें तो बहुत बड़ी त्रासदी का सिर्फ ट्रेलर हैं। Российские войска терпят такие потери в Украине, каких не было в Сирии, не было в Чечне, не было и у советских войск в Афганистане. Если ваша война, война против украинского народа будет продолжаться еще, мамы России потеряют больше детей, чем в афганской и чеченских войнах вместе взятых. अमेरिकी कांग्रेस में तालियां बटोरने के बाद जेलेंस्की ने अपना दर्द जर्मनी से भी साझा किया है। जर्मनी की संसद को जेलेंस्की ने बताया कि कैसे 3 हफ्तों में रूस की बमबारी ने यूक्रेन में हर तरफ तबाही ही तबाही मचाई हुई है। वर्चुअल मैसेज में जेलेंस्की ने ये भी जताया कि कैसे पश्चिमी देश उसकी मदद कर सकते थे, लेकिन वो नहीं कर रहे। चाहे वो नो फ्लाइंग जोन हो या फाइटर जेट्स की मांग, रूस की लगातार बमबारी के बीच यूक्रेन इस वक्त खुद को बहुत ठगा महसूस कर रहा है। До вас після 3 тижнів повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Після 8 років війни на сході моєї держави, на Донбасі. Звертаюсь до вас, коли Росія бомбардує наші міста, руйнуючи все, що є
в Україні. Це житлові будинки, лікарні, школи, церкви. Це ракетами, авіабомбами, реактивною артилерією. रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन की एक बहुत बड़ी कमजोरी वो नकली और झूठा भरोसा रही है जो यूक्रेन ने पिछले कई सालों से पश्चिमी देशों पर रखा था। जब नेटो और अमेरिका ने रूस पर कड़ी आर्थिक पाबंदियां लगाई तो जर्मनी की हिचकिचाहट भी सामने आई। जर्मनी और रूस के आर्थिक रिश्ते बहुत मजबूत हैं। जर्मनी रूस से बड़े पैमाने पर गैस खरीदता है और रूस पर पाबंदियां जर्मनी को भी नुकसान से दूर नहीं रखेंगी, इसीलिए यूक्रेन इस वक्त बहुत बड़े चक्रव्यूह में फंस गया है। ज़ेलेंस्की चाहकर भी पुतिन के घेरे से बचने में अब तक नाकाम रहे हैं, वो जूझ रहे हैं, लेकिन कब तक ये सवाल यूक्रेन के साथ उनका भी फैसला करेगा।